कहूंगी कि गोपीचंद में न्यूरो उठी अंत समय में मर ले, रात छोड़ के जोगी बन जा काली युग में कर ले। किसके थ्रू आप काल को मेरे वश में करना चाहते हैं? मेरे मामा भरथरी के थ्रू। हाँ बेटा। अरे मां आदमी का एतबार नहीं, सगे प्यारे का एतबार नहीं, आज वो किमे और कैसे कल ने किमे और बन जाएगी, आदमी के इसी बात नहीं बेटा। हाँ आदमी सुनो, के आदमी क्या है? क्या है कि अपने ही जाल में घिर रहा है आदमी, अपने ही वचनों से फिर रहा है आदमी, आज असल मर्यादाओं से गिर रहा है आदमी, लूटता है आदमी, मारता है आदमी, तो मर रहा है आदमी, इसीलिए आदमी से डर रहा है आदमी। और लोगों, दादा जगन्नाथ की उम्र बीत गई, नुआ चला गया, कि क्या कर रहा है आदमी? आप उसके थ्रू मेरे को अमर करवाना चाहती हैं? मानस का एतबार नहीं, मेरी बात सुनो। हाँ बेटा। कि अमर होने की जो भूल आपके पल्ले पड़ रही है, अमर एक नाम है और नाम ही अमर रहता है इस दुनिया में, बड़े किसी का न्यू हो जाए और शरीर अमर है। फिर बेटा तू मेरी बात नहीं मान, के कहना चाहो है? आप मेरी बात सुनो, आपके भरम है, एक ही नाम, एक ही परमात्मा का नाम इस दुनिया में अमर है। के कहना चाहो है बेटा? Yeah.
तीसरी कली में जिक्र होया था शुरुआत में
होया है कदा नहीं आप बताया कि समय का भी अंत है। हजार छियानवे भगत के सतयुग आप मरिया बारह लाख हजार चौसठ त्रेता युग भी काल मरिया आठ लाख बत्तीस हजार द्वापर ने भी काल करिया चार लाख बत्तीस हजार फिर कलयुग आवे भोर करो ¡Gracias!